नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AVTech में। दोस्तों आज है 10 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है यूपी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, कल भी इसकी अपडेट आई थी शाम को। तो दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या सेवाएं बंद रहेंगी, क्या क्या सेवाएं चालू रहेंगी। तो दोस्तों आज रात 10 बजे से यानी 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक यानी 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल लॉकडाउन है और इसमें सभी बाज़ार, सभी प्रतिष्ठान, रोडवेज सेवाएँ बंद रहेंगी। ठीक है, इस आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यालय जो हैं वो बंद रहेंगे, सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाज़ार, गल्ला मंडी, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ठीक है, रोडवेज सेवा भी प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगी। बाकी ट्रेनों का आवागमन चलता रहेगा, जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज ये सारी चलती रहेंगी, डोर टू डोर डिलीवरी होती रहेगी। मालवाहकों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा, जो घर घर जा कर के स्क्रीनिंग करते हैं कोरोना व संबंधित क्षेत्र में, तो ये सब चलते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो औद्योगिक कारखाने हैं वो खुले रहेंगे। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रखने वाले कारखानों को छोड़ करके अन्य सभी बंद रहेंगे। जो भी ज़रूरी सेवाओं में से जुड़े लोग हैं, अगर उनको ड्यूटी जाना है तो उनको पहचान पत्र ले जाना होगा, पहचान पत्र ही आपका ड्यूटी पास माना जाएगा। ठीक है, और एसेंशियल सर्विसेज को कोई भी मतलब रोक टोक नहीं होगी। एक्सप्रेस वे के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे बड़े बड़े मतलब पुल हैं, मकान सड़कें हैं, लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट हैं, वो सब चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों पुलिस में 6000 दरोगा समेत 7400 पदों पर भर्तियां होंगी और इसका विज्ञापन अगले हफ्ते जारी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड अगले हफ्ते जारी कर सकता है विज्ञापन। मौजूदा सरकार में 137000 पदों पर हो चुकी है भर्ती, तो यहाँ पर जो 7400 पदों पर दोस्तों भर्ती हो रही है उसमें सब इंस्पेक्टर के लगभग 6000 पद हैं और 1400 पद हैं जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के हैं। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ में क्या क्या आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे स्टेनो है, अकाउंटेंट है, इस तरीके से लगभग 1400 पद हैं और 6000 जो पद हैं वो SI के पद हैं। तो दोस्तों इस भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह ही जारी हो रहा है, तो जो भी उम्मीदवार हैं इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं TGT PGT की। TGT PGT के दोस्तों जो विषय हैं उनका कॉलेज आवंटन कर दिया गया है। TGT के 8 विषयों का कॉलेज आवंटन हुआ है, PGT के 19 विषयों का कॉलेज आवंटन हुआ है। ये सभी जो रिजल्ट है governmentjobcenter.com वेबसाइट पर अवेलेबल है, गूगल पर डाल दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया, डायरेक्टली जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें इनमें से अभी TGT के 2 विषयों का, TGT गणित और शारीरिक शिक्षा, इनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। शारीरिक शिक्षा में तो सब ये है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना, इस वजह से जारी नहीं हुआ है, लेकिन गणित का क्यों नहीं जारी हुआ इस पर अभी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, वहीं पर PGT की बात कर लेते हैं। PGT के 2 विषयों का भी रिजल्ट अभी रोक दिया गया, वो है नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी। अब अंग्रेजी को लेकर के तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है, ये बात निकल के आ रही है कि अंग्रेजी में कई सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, तो इस वजह से जब पैनल जारी हुआ था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जब कोर्ट केस का निस्तारण हो जाएगा उसके बाद ही अंग्रेजी का कॉलेज आवंटन किया जाएगा, तो इसको भी लेकर के स्पष्ट बात समझ में आ रही है, लेकिन नागरिक शास्त्र और इसका गणित का रिजल्ट क्यों रोका गया वो अभी क्लियर नहीं है। हालांकि जैसा कुछ स्पष्टीकरण मिलेगा आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो जितने विषय का कॉलेज आवंटन हो गया है उन विषयों की भर्ती अब पूरी हो गई है। TGT PGT 2016 की ये भर्ती है, 2020 में कॉलेज आवंटन के साथ कल इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंतज़ार किस बात का है, इंतज़ार इस बात का है कि आप जा कर के डायरेक्टली आपको जिलों में ज्वाइनिंग लेनी होगी। उसके लिए आप लोग अपने जिलों से संपर्क करें, जहाँ से आपका कॉलेज, जहाँ जिन जिलों में आपका कॉलेज आवंटन हुआ है वहाँ के DIOS ऑफिस में जा कर के आप लोग
अब आगामी 15-20 दिन के बाद पता लगाएं कि वहाँ पर पैनल आया है या नहीं आया है। अगर पैनल आ गया तो संबंधित स्कूल में जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जो अभी तक चयनित नहीं हुए जिनको निराशा हाथ लगी है उनसे गुजारिश है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 आने वाले ही आप लोग उसकी तैयारी करेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ग्रुप है, पेड ग्रुप है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप लोग उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये ग्रुप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बात कर लेते हैं अगली। तो यहाँ पर एक अपडेट है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर के। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है दोस्तों। अब ये जो बदलाव है करीब 4 बार कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा थी 19 से 25 जुलाई के बीच में होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 12 और 15 सितंबर को आप लोगों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की, ठीक है। बात कर लेते हैं अगली। तो यहाँ पर अपडेट है ICSE बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों ICSE बोर्ड का रिजल्ट है जो आज जारी हो रहा है। अब यहाँ पर सभी जो छात्र हैं उनको इंतजार है कि बिना पेपर कैसे होंगे नंबर। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण इस समय परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, कुछ विषयों की परीक्षाएं हुई थी। तो अब अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से नंबर बोर्ड देगा, उसी के बारे में आज इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ICSE बोर्ड का जो रिजल्ट है आप लोग वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेगा। करीब 3 बजे रिजल्ट आना है और 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट आज आ रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कई अभ्यर्थी थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे बीएड को बाहर करने के लिए। तो बीएड को बाहर करने की जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी उस पर कल सुनवाई हुई, और दोस्तों काफ़ी कुछ सुनवाई होने के बाद जो मामला है वो फिलहाल 14 जुलाई को टैग कर दिया गया है। 14 जुलाई को 69,000 शिक्षक भर्ती के कई महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई है, तो उसी के साथ इसको भी टैग कर दिया गया है। अब जो सभी प्रकार की सुनवाई होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, वो सभी सुनवाई 14 जुलाई को ही होगी। BTC अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है कि BEd इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है उनको कंपलसरी है, लेकिन अभी तक किसी ने ब्रिज कोर्स किया नहीं। हालांकि शासन ने ये बात कही है कि नौकरी पाने के 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, लेकिन BTC अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्तियाँ जताई और कहा है कि BEd अभ्यर्थी पात्र नहीं है। इसके लिए जो NCTE का नोटिफिकेशन है उसको उन्होंने चैलेंज किया है, उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज किया है। अब इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको एक चीज़ बता दें कि BEd को बाहर करना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। जब NCTE जो टीचर भर्ती का मानक तय करती है उसने अलाउ किया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलाउ किया हुआ है। इतना आसान नहीं है BEd को बाहर करना। बात कर लेते हैं UPPCS 2018 इंटरव्यू की। तो इस बार का जो इंटरव्यू UPPCS का होगा वो 13 जुलाई से शुरू हो रहा है, और 13 जुलाई से शुरू होने वाले इंटरव्यू सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो कोरोना और चाइना पर है। क्योंकि आपने देखा जब से कोरोना आया हुआ है तब से चाइना पे पूरी निगाहें, सबकी निगाहें चाइना पर। चाइना एक तरीके से केंद्र बिंदु है, और कोरोना तो इस समय चल ही रहा है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कोरोना और चाइना पर ही पूछे जाएंगे, और इसके लिए अभ्यर्थी अभी से तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उत्तर देना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए तर्कों के साथ अपना तैयारी करने में जुटे हुए हैं। कुछ जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भी टॉपर्स हैं, वो भी परीक्षार्थियों को सलाह दे रहे हैं कि दूसरों से प्रश्न बिल्कुल भी ना पूछे। दोस्तों अक्सर होता है कि जब कोई इंटरव्यू होता है तो कुछ अभ्यर्थी बाहर वेटिंग में रहती हैं, और जिसका इंटरव्यू हाल ही में होता है और जो इंटरव्यू रूम से बाहर निकलता है तो बाहर बैठे अभ्यर्थी उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। जो टॉपर्स हैं ये टॉपर्स हैं 2017 में 3रा स्थान प्राप्त करने वाली सदर बाजार प्रतापगढ़ की मीनाक्षी पांडे। इनकी सलाह ये है कि इस प्रकार जो इंटरव्यू दे करके निकले दूसरे अभ्यर्थी हैं उनसे प्रश्न बिल्कुल भी ना पूछे, इससे बेवजह घबराहट बढ़ती है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड के सामने पूर्ण विश्वास के साथ बैठें और उत्तर दें। उस दिन का अखबार आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ करके ही इंटरव्यू देने जाएं। पूरे दिन सकारात्मक रहें, नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें, विनम्र रहें। बोर्ड के सदस्यों से ना तो उलझे और ना ही बेवजह तर्क करें। तो इस तरह के दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में डेली तैयारी अवसर की नाम से एक सेक्शन आता है,
यहाँ पर प्रतिदिन टिप्स दिए जाते हैं। तो अगर आपका पीसीएस इंटरव्यू है तो ये सेक्शन आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। दोस्तों यूपी बोर्ड 2021 के लिए जो कक्षा 9 और 11 है उनके अग्रिम पंजीकरण की तारीख घोषित कर दी गई है। कक्षा और 9 और 11 के जो अग्रिम पंजीकरण है वो 25 अगस्त तक किए जाएंगे। 5 अगस्त तक कक्षा 9 और 11 के स्कूलों में एडमिशन होंगे और उसके बाद जो पंजीकरण होंगे उनकी अंतिम तारीख है 25 अगस्त। 25 अगस्त तारीख है पंजीकरण की, बाकी एडमिशन की तारीख जो है वो 5 अगस्त है। जो भी छात्र 9 और 11 में यूपी बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से ले लें 5 अगस्त के पहले। वहीं पर दोस्तों यूपी बोर्ड में भी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो तय कम किया जाएगा। यहाँ पर महीनों के हिसाब से पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि सितंबर तक नुकसान होने पर 30% पाठ्यक्रम के कम होगा। अगस्त तक नुकसान होने पर, अगर अगस्त में भी पढ़ाई नहीं होती है तो 20% पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम किस तरीके से कम किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक बुक है उसमें 10 पार्ट हैं, ठीक है, तो अगर अगस्त तक परीक्षा पढ़ाई नहीं हो पाती है तो 20% पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। इस हिसाब से 10 पाठ में से 2 पाठ कम कर दिए जाएंगे, तो इस तरीके से लेसन को कम किया जाएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा है ऑनलाइन संचालन में अतिथि प्रवक्ता नहीं होंगे। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसका संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए 17 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इससे अतिथि प्रवक्ताओं को बाहर रखा गया है। अतिथि प्रवक्ताओं से ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल नहीं किया गया, उनसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। तो ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।